चल सो, वीडियो बन रही है, सो जा। मैं कहूंगा इसे नींद आई हुई है, इसको पसीना है जी, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आज क्या पकाएं? मुर्गी। रोजाना मुर्गी? हाँ जी, मैं तो कहता हूँ सब बस्तूरी मंगवा लें, ठंडी तो होती है वैसे, है ना? ठंडी, उसमें बर्फ का ब्लॉक होता है। नहीं, सबसे ज्यादा सब्जी वही ठंडी होती है। अच्छा, आलू नहीं अच्छे लगते आजकल। आलू तो नमकीन होते हैं, बड़े चारे होते हैं। रात तो आलू खाए थे हमने। रात मुर्गी खाई थी, याद करो। नहीं, रात नहीं खाए थे। कल जब समोसे लेकर आया, तुझे बताया नहीं, मोटरसाइकिल पे मुर्गी खड़ी है, याद करो। जब मैंने देखा तो वो आलू थे, मुर्गी नहीं थी। झूठ बोला आपने मुझसे। वो फिर ले ले, बकरियां पत्नी कुत्ते वगैरह थे, वो तो नहीं फाड़ के ले गए? कुत्ते हमारे पर, वो हाँ आधा है किलो नहीं। मुर्गी थी, आधा किलो आलू थे। मुर्गी तूने कल की उठाई भी नहीं है, ये तो अभी मुझे वीडियो में बता रही है। आलू थे सिर्फ चार, सिर्फ चार आलू थे? बस और कुछ नहीं था। मुर्गी अच्छा, नहीं अब थी। करेले मंगवाते हैं आज। चल ओके मंगवा रहे। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं के तू ना याद आ सका, ना मैं जी सका ना मैं मर सका, अगुते नहीं आता। तो पूरा आता जी, नहीं है, बस ऐसे फाइनल लाया फाइनल था। जो सब्जी फाइनल हुई है ना, वो ही है आज। कौन सी सब्जी फाइनल हुई है? सावी तोरी। 1 किलो सावी तोरी, 1 पाव नमकीन आलू और 20 रुपए का मिसाला। तो आज हम ये पकाएंगे, सब्बस तूरी और आलू मिक्स करके ना वो पकाएंगे। तो आज ये खुद पकाएगी, आज मैं नहीं पकाऊंगा। आधी तुम आधी मैं। आधी तुम आधी मैं का क्या मतलब? मिसाला तो सब्जी तूने काट कर देनी है, फिर मैं पकाऊंगी। अच्छा, हाँ जी। नवाब है तू? हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो गर्मी की बात का तूने कहा नवाब हूँ। नवाब नहीं हो, गर्मी है, लाइट है नहीं। अच्छा, लाइट मैं तुझे मंगवा देता हूँ, एसी लगवा देता हूँ, इधर पीछे एसी लगवा दूँ, कहाँ ये जो है? मंजी पड़ी है उस पे लगवा देता हूँ एसी। नहीं, एसी की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, फिर आती है सब्जी, फिर पकाते हैं। हमने जी बंदे को भेज दिया है कि आप ना जल्दी लेकर आओ, तो जैसे ही आता है फिर जो है ना पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक तबीयत सेहत कैसी है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। और गद्दा जो है वो बाक रहा है, और हम भी ठीक हैं। और आज बेबो के लिए माजरा चाहते हैं। बेबो मतलब इशफाक अहमद खान, आज वो सोया हुआ है। इशफाक साहब आज सोए हुए हैं, आज वो क्या पता वीडियो में ना शामिल हो सकें। हमने आपको क्या तीसरी मंजी नहीं दिखाई थी, ये पड़ी है देखें, ये इसका पावा शेर हूँ, ये देखें ये टूटी पड़ी है, ये हमारी तीसरी मंजी है। इसका एक ऊपर ये भी पड़ा है ना, ये देखें। तो ये हमने अभी ऐसे ही डाली हुई है लकड़ में, तो लकड़ ये पड़ी है सारी, ये अभी थोड़ी थोड़ी गीली है, जब ये सूख जाएगी फिर इस्तेमाल करेंगे। खैर है, पंखे को उठा रही है। बटन चला ना, चला रही है बटन? हाँ जी। बिजली नहीं होगी, बिजली बल्ला बाल के चेक करा, बिजली है? नहीं है बिजली। यही तो हाल है बिजली का, एक मिनट भी नहीं रुकती है, तो इतनी गर्मी है। अभी ये पंखा देखें, गर्म धूप में खड़ा किया है इसने। इधर छाँव है नहीं, इसलिए उधर चार पाई डाली और धूप का पंखा लगा कर हवा लगवाने की कोशिश की, लेकिन बिजली भी नहीं है। बिजली तो बेड़ा गर्क किया हुआ है ना। एक मिनट आती है, आधा घंटा नहीं आती। मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, टेंशन ना ले। अच्छा
अच्छा जी। तो जी ये डाल रही है कपड़े सूखने के लिए, धोकर आई है तो अभी सूखने के लिए ना, तो अपनी मशीन आज नहीं चलाई, भाई की मशीन थी वो चल रही थी तो उधर ही ले गई, तो क्योंकि कपड़े थोड़े थे ज़्यादा नहीं थे, इसने कहा क्या इधर पानी डालूं चलाऊं तो बेहतर है भाई की मशीन पे ना धो लेती हूँ, बिजली भी एक है कनेक्शन भी एक है, तो जल्दी कर सब्ज़ी, मेरे ख्याल में सब्ज़ी आ गई है ना, जल्दी डाल और सब्जी काट, भूख लगी है मुझे। अच्छा, आज ज्यादा भूख लगी है क्या? आज बहुत ज्यादा लगी है। कपड़े डाल लूं फिर पकाते हैं। ये सारे छोटे छोटे बच्चों के, ये किन के कपड़े ले आई है तू? तो भूल को तो नहीं गई ना? ये भाई के बच्चों के। अच्छा, उधर जगह नहीं थी क्या डालने की? नहीं। अच्छा अच्छा, तो जी ये भाई के बच्चों के कपड़े हैं काफ़ी सारे, तो उधर जगह नहीं थी तो इनको दे दिए कि आप ना अपने घर में ना सूखने के लिए डाल दो। ये जी सेल मैनी वाला जंगला खाली पड़ा है, आज पापे सेल करने नहीं गई? पापे हैं ही नहीं मेरे, खत्म हो गए, कल जाऊंगी शहर लेने। अच्छा जी, फिर सेल पे जाऊंगी परसों वाले दिन। उनको कहो ना, वो भी घर में निकमी बैठी रहती है, उनको कहो पापे जल्दी बनाया करो ना, मैंने सेल भी करनी होती है, रोजी भी करनी होती है उनके पास तो बहुत। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने जिसके साथ काम किया है ना वो पापे मुझे बहुत देते हैं, मैं तो रोजाना सेल पे जाता हूँ। उनके पास तो है लेकिन मैं उठाने के लिए नहीं गई। अच्छा जी, कपड़े बहुत ज्यादा धोने थे और इसलिए गर्मी भी ज्यादा थी, मैंने कहा चला आ गई सब्जी ना। हाँ जी आ गई। क्या क्या है जो बताया वही है या? सावी तूरियाँ, आलू, सब्ज मिर्चें, टमाटर, धनिया। अच्छा, जो था बताया था वही है। अभी क्या करेगी इसको? अभी से जाती हूँ धोने के लिए, सारी मिट्टी है ये। अच्छा धोने, आलू, आलू एक ही है पाव पे एक चढ़ा है? नहीं, तीन छोटे और भी आए हैं। सही है, किलो ये है, तीन चार बंदे हैं हम, किलो सबस्तुरी है, एक पाव आलू है, तो ये सबा ना खाए तो हमें तो काफ़ी है ये। सही है, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा खाती हूँ इसलिए। अब जा रही हूँ धोने के लिए। अब जी ये धो रही है सब्जी, मिर्च भी, धनिया भी, सबस तूरी भी, आलू भी, और कुछ के ऊपर सारी मिट्टी लगी हुई थी ना इसलिए। सही है, साफ सुथरा करके पकाना चाहिए। धोकर आ गई और मैं जो है इसे कहा है कि काटो सब्जी, इसने तो काटी नहीं है, अब खुद काट रही हूँ, फिर इसे पकाती हूँ, फिर आप लोगों को कल दिखाएंगे। कल दिखाएंगे, आज क्या है, वीडियो लंबी हो जाएगी? हाँ जी, हाँ वीडियो लंबी हम इसलिए नहीं बनाते कि बहन भाइयों का जो है ना वो टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, तो क्या है उधर से देख भाई का। ये जो खान भाई है ना ये भी हंसाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जी देखें धो के आई है, अभी काट रही है, तो अभी हम पकाएंगे और खाएंगे, आपको भी इनवाइट है सब बहन भाइयों देखने वालों को। खाना है आ जाए। हाँ जी, जिस बहन भाई ने खाना है आ जाए, इंशाल्लाह आपको ठंडी सब्जी खिलाएंगे आज। आज हमने बर्फ लगी हुई सब्जी पकाई है। हाँ गर्मियों ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है बिल्कुल। मैंने कहा इसे काट दे आज, इसने तो माना तक भी नहीं। सब्जियां अगर हम पका लेते, अगर सब्जियां भी हम काटें तो बस फिर सब्जी काटने में क्या होता है, बैठा रहता चार पाई पे, मैं और कोई काम कर लेती बस। और कोई काम करने वाला ही नहीं है,
तू तो बच्चा है जो मेरा सहारा है बस। मैं बच्चा हूँ? हाँ, एक तू ही तो है जो मेरा सहारा है, मुझे काम में कुछ हेल्प मिल जाएगी। हेल्प मिल जाएगी। हाँ, अच्छा जी, सही है जी, अल्लाह पाक करम करे जी। तू तो हेल्प तक देता नहीं है मुझे। हर हेल्प करता हूँ तेरी, जो भी काम करती है उसमें तेरी हेल्प करवाता हूँ। आज तो नहीं माना ना? आज नहीं माना तो समझो पिछली जो मैंने मेहनत करता रहा, जो भी काम करता रहा, उस पे सारा पानी फेर दिया तुमने। अभी मतलब मैं आगे से कोई काम नहीं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो अलग बात है, ये अलग बात है, उसको छोड़, वो तो पुरानी हो गई ना। पुरानी हो गई। मैंने आपके साथ कपड़े भी धुलवाए, आपके साथ खाना भी बनाया, आपके साथ सालन भी बनाया, फिर वो मेहनत ख़त्म। नहीं नहीं, ख़त्म नहीं हुई, वो भी है। जो मेहनत पुरानी हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं। अब्बा बुढ़ा हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं। फिर कोई बात नहीं, मैंने काट लिया है, बैठी हूँ चार पाई पे काट रही हूँ, जब काट लूंगी फिर पकाऊंगी। चल पका, ठंडी तूरी खवा। अच्छा जी, ठंडी पका रही हूँ। अब इजाजत ले, अब हम जो है इजाजत दे, ताकि जो हमारी वीडियो है वो अभी हमने बनानी है, एक्सपोर्ट करेंगे, फिर अब अपलोड करेंगे, फिर आप तक पहुंचाएंगे उसे, ताकि आप लोगों ने तो देखनी है ना, इंतज़ार में होंगे हमारे बहन भाई, देखना जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा हंसने लगेंगे कि देखें हमारे बहन भाइयों की ना वीडियो आ गई है। तो जी अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बे औलादों को अल्लाह पाक औलाद दे, परेशानियों को परेशानियाँ ख़त्म हों, मुश्किलें आसान हों। हर बहन भाई जो हमारी वीडियो देखता है, जो नहीं भी देखता, जो अच्छे कमेंट्स करता है, जो नहीं भी करता, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबको जो है वो खुश रखे। अभी हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज़ नहीं आई। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज़ नहीं आई। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो बस करे, थक जाएगी। नहीं, नारा मारने में कौन थकता है, कोई भी नहीं थकता, थोड़ी सी आवाज़ निकाल दी होती है, और तो कुछ नहीं। चल त्री बार नारा लगा फिर। कोई नहीं, लगा दूंगी मैं, तू थक जाएगा, मोबाइल बंद कर देगा, तू कहेगा मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। चलो जी, अब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।